साल 2013। आम आदमी पार्टी अभी अभी चुन कर आई थी और इस पार्टी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सोशल मीडिया पे काम कर सके। वैसे तो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम दिन रात मेहनत करती थी और आम आदमी पार्टी को जनता के सामने, उनके नजरों के सामने रखने के लिए सोशल मीडिया पे तरह तरह के कंटेंट अपलोड किया करते थे। कभी वीडियोस, कभी ग्राफिक्स, तो कभी गाने के जरिए जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा जाता है। और उसी टीम में एक 19 साल का लड़का भी था जो कि पार्टी के लिए वीडियोस एडिट किया करता था, और ये लड़का था नन अदर देन ध्रुव राठी। पर इससे कुछ आगे करने के लिए ये जरूरी था कि लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया जाए, दुनिया के सामने आया जाए। दुनिया तेजी से बदल रही थी और पॉलिटिकल पार्टी से कैंपेनिंग के तरीके भी। अब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लोगों के बीच में जाके उनसे वोट नहीं मांगते थे, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनसे वोट मांगे जाते थे। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हो रहा था। इन सभी मामलों को देखते हुए 2013 के अंत में ध्रुव राठी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और लग गया उस पर वीडियोज अपलोड करने में। चलिए, ये जो पूरा मामला है इसको आसानी से समझने के लिए एक टाइमलाइन के ऊपर समझते हैं। इक्का दुक्का वीडियोस अपलोड करते करते ध्रुव राठी के 2014 तक 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2014 को ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोज्ड हैशटैग केजरीवाल फिर से, और इस वीडियो में उसने आधे अधूरे फैक्ट्स दिखाए और अपनी पार्टी को सपोर्ट किया। 21 दिसंबर 2014 को ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बनाया और इस वीडियो को अपने फेसबुक पे शेयर भी किया। ये वीडियो था 5 साल केजरीवाल। अब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ध्रुव राठी के जो सब्सक्राइबर्स थे वो तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हाथ उसके कंधों के ऊपर था, तो वो भी बिना रुके वीडियोस बनाता चला गया। अब तक ध्रुव को ये समझ में आ चुका था कि आधे अधूरे फैक्ट्स दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और वो भी बहुत आसानी से। वो एक कहावत है ना, झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है आधा सच, कुछ वैसा ही। पर ये बात ध्रुव राठी को भी नहीं पता था कि हमारे भारत देश की जनता इतनी आसानी से मूर्ख बन जाएगी और उसे इतना इनॉर्मस अमाउंट में सपोर्ट मिलेगा। अब क्योंकि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के लिए काम किया करता था, तो इस कारण से वो रेगुलरली आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं उनमें पोस्ट किया करता था। ये ग्रुप और पेजेस आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल थे और ध्रुव इसके अंदर एडमिन था, इसलिए वो पोस्ट कर पाता था। और ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल पेजेस और ग्रुप में एडमिन है तो उसका उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या रिलेशन होगा। 19 जनवरी 2015 को ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप में एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के बाकी के नेताओं से कंपेयर करता है। वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं और वहीं पे दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लायर है, जो योगी आदित्यनाथ है वो रेपिस्ट है, अमित शाह एक मर्डरर है और अरविंद केजरीवाल एक नंबर के पक्के ईमानदार नेता है। आई होप कि ये वीडियो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचे ताकि उनको भी पता चले कि जर्मनी में बैठा आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया का एक यूट्यूबर आपके लिए क्या पोस्ट कर रहा है। 9 फरवरी 2015 को ध्रुव राठी आम आदमी आए हैं सॉन्ग के ऊपर एक वीडियो बनाता है और उसे हर जगह शेयर करता है। और इसी वीडियो को 9-10 फरवरी को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के पेजेस में शेयर किया जाता है, पर इस वीडियो को बाद में हटा दिया जाता है। वो क्यों हटाया गया उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर 17 मई 2015 को ध्रुव राठी एक और वीडियो बनाता है और उसे भी आम आदमी पार्टी के ग्रुप में शेयर करता है। अब समय तेजी से बदल रहा था और लोग इंटरनेट के ऊपर एक्टिव हो रहे थे, तो लोगों को अरविंद केजरीवाल के दांव पे समझ में आने लगे थे। उनको समझ में आने लगा था कि अरविंद केजरीवाल दूसरे चीजों के नाम पे किस तरीके से जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन पे पैसे खर्च कर रहा है, जो दिल्ली की जनता है उनके पैसों को अलग अलग जगहों पे खर्च किया जा रहा है। और इस कारण से लोगों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर सोशल मीडिया पे प्रेशर बनाना शुरू किया। सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल जी से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप एडवर्टीजमेंट्स पे इतने सारे पैसे खर्च क्यों कर रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, हमारे जो पैसे हैं उनको क्यों इन सब चीजों में बर्बाद किया जा रहा है। अब ध्रुव सामने आता है और 3 मई 2016 का एक और वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो ऑड इवन स्कीम के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स पे पैसे खर्च किए गए थे उसको जस्टिफाई करता है और कहता है कि अगर लोगों को जागरूक करना है तो इतने पैसे तो खर्च होंगे ही। ऑड इवन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना है। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी, तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियो की एडवर्टीजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली का एक एक आदमी इस रूल को फॉलो करे तो शायद इतनी ही एडवर्टीजमेंट्स की जरूरत है। और यही ध्रुव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान पे खर्च किए गए पैसों के ऊपर सवाल उठाता है और कहता है कि ये पैसों की बर्बादी है, क्योंकि भाई पार्टी का जो सवाल था, अरविंद केजरीवाल जो कि इलेक्शन के पहले ढिंडोरा पीट पीट कर कह रहे थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ और मेरे पास इतने सारे पेजेस की प्रूफ है, जितने भी करप्ट लोग हैं उन सबको मैं ठीक कर दूंगा, मुझे एक बार चीफ मिनिस्टर बना दो।
पर अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में शीला दीक्षित के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी कर क्या रहा है, कहां गए उनके वादे जो उन्होंने इलेक्शन के पहले किए थे। 10 मई 2016 को ध्रुव राठी एक और वीडियो अपलोड करता है और उसमें वो अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करता है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर बहुत सारे करप्शन के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल ने इन आरोपों पर कितना एक्शन लिया, इस बात पर बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे लोगों के बीच। तो आज मैं इसी के बारे में सच बताना चाहता हूँ। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने उस केस के लिए एलजी को बोला, ना कि दिल्ली के सीएम को, एलजी को बोला। उन्हें भी पता है पुलिस किसके कंट्रोल में है। तो अब आप खुद से सोचिए कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि शीला दीक्षित जेल में है, कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर रोज हजारों फोन कॉल आती है उनको कुछ सुनने वाला नहीं। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ये सोचते हैं कि केजरीवाल कोई एक्शन नहीं ले रहा है शीला दीक्षित के अगेंस्ट, कि केजरीवाल अरेस्ट नहीं कर रहा शीला दीक्षित को, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस मामले का जो पूरा दोष होता है वो बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर थोप देता है, जबकि ध्रुव को अच्छे से पता था कि 2-3 साल पहले पब्लिक के प्रेशर के कारण अरविंद केजरीवाल ने CWG में FIR तो किया था, लेकिन उसमें शीला दीक्षित का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि उस समय पे आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था। आधे दूरे फैक्ट्स दिखाकर अब ध्रुव राठी तेजी से सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था और एंटी मोदी होने के कारण लेफ्टिस्टों में तेजी से फेमस भी हो रहा था। आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी को 27 जुलाई 2016 को पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और इस चीज को ध्रुव राठी अपने फेसबुक के ऊपर शेयर भी करता है। ध्रुव राठी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके जो कुकर्म थे उनको डिफेंड कर रहा था। 27 जून 2016 को दिनेश मोहनिया जो कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने एक 60 साल के व्यक्ति को थप्पड़ मारा था और इस कारण से दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया था। वैसे ये जो दिनेश मोहनिया थे उनको दिल्ली पुलिस ने पहले भी डिटेन किया था क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया था। खैर, ध्रुव राठी उसी दिन एक ट्वीट करता है और दिनेश मोहनिया को डिफेंड करने की कोशिश करता है। ध्रुव राठी ट्वीट करता है कि अगर दिल्ली पुलिस थप्पड़ मारने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने लगी तो दिल्ली की जितनी भी जनता है ना वो सब के सब अरेस्ट हो जाएंगे। देखो ध्रुव, आम आदमी पार्टी की एक लीडर अगर किसी को थप्पड़ मारते तो इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो भी किसी को थप्पड़ मार रही होंगे। तुम आम आदमी पार्टी के एक लीडर को जो कि वॉयलेंस करते हैं उनको दिल्ली की पूरी जनता से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एक ट्वीट था इससे काम नहीं चलता है। इसके बाद ध्रुव एक स्टेप और आगे जाता है क्योंकि लोग सोशल मीडिया के ऊपर अब ट्वीट करने लगे थे, पोस्ट करने लगे थे कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो गुंडे हैं, किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव कर देते हैं। तो इन सब मामलों को शांत करने के लिए 24 अगस्त 2017 को ध्रुव राठी एक और वीडियो बनाता है और ये जो वीडियो था इसमें ध्रुव राठी उन सभी लीडर्स को जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको डिफेंड करता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और उन्हें क्लीन चिट देता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज में आम आदमी पार्टी के MLA को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है। हर दूसरे दिन किसी न किसी MLA का एक अरेस्ट हो जाता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के MLA ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। मालवीय नगर के MLA सोमनाथ भारती को सितंबर 2015 में अरेस्ट किया गया था। और इससे एक साल पहले 11 सितंबर 2016 को ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज में एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वो दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके कैसे 0 क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन वहीं पे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनमें 63 क्रिमिनल केसेस वाले लीडर्स। चलिए इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ क्योंकि जो ध्रुव राठी है वो बार बार डेटा करते रहता है। जिस सोमनाथ भारती के बारे में ध्रुव राठी बात कर रहा था और उन्हें क्लीन चिट देता है, वॉइड वॉश करता है, इन्हीं सोमनाथ भारती के ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और क्राइम मीटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड हो चुका है। ये पूरी लिस्ट है उनके सारे केसेस की। सोमनाथ भारती में 2019 में वुमेन जर्नलिस्ट को प्रोस्टिट्यूट बन जाने को कहा था। 2014 में सोमनाथ भारती पे एक युगांडियन वुमेन के मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे थे और इसको कोर्ट ने भी फ्रेम किया था। और अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो हो सकता है कि आपके दिमाग की घंटी बज जाए। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर 2020 में टोटल 13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और इनका जो क्राइम मीटर है वो आप देख सकते हो कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पर ध्रुव राठी कर भी क्या सकता था, उसकी भी मजबूरी थी। पार्टी का जो सवाल था, सच बचे या ना बचे, पार्टी बचनी चाहिए। और अभी तो चीजें शुरू हुई है, अभी देखो मैं पिटारे में से क्या क्या निकालता हूँ। ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स मुझे पोक करने आए थे, गालियां देने आए थे, अब पोक करने की सजा भी भुगतो। आगे जो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ उसके बाद कोने में जाके रोना मत। 2019
2016-2017 के इन पोस्ट में आप देख सकते हो कि ध्रुव राठी अपने वीडियोस को आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेजेस में शेयर कर रहा है। अब ध्रुव का यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका था। 6-7 महीने पहले 2016 में जहां पे कि ध्रुव राठी के 1,1200 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, वहीं पे अब ध्रुव राठी के 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। 12 जनवरी 2017 को भास्कर शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के हेड हैं, वो एक्साइटमेंट में ट्वीट कर देते हैं कि ध्रुव, जो कि आम आदमी पार्टी के रिसर्च और सोशल मीडिया टीम का प्रोडक्ट है, उसने अंधभक्तों को एक्सपोज कर दिया है। आप सबको ये वीडियो देखना चाहिए। 28 फरवरी 2017 को ध्रुव राठी रामजस कॉलेज पे एक वीडियो बनाता है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आखिर इस मामले में हुआ क्या था, ध्रुव राठी ने क्यों रामजस कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। फरवरी 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का रामजस कॉलेज एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और इसमें JNU के उमर खालिद को भी बुलाया जाता है। अब जो ABBP के मेंबर्स थे वो इसके पूरे खिलाफ थे, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उमर खालिद ने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए थे, तो इसी कारण से ABBP के मेंबर्स इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करना चाहते थे। फिर लेफ्टिस्ट का एक स्टूडेंट ग्रुप जो कि है आईसा, उनके और ABBP के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक झड़प होती है और कई लोग घायल हो जाते हैं, और इसी मामले में जो ABBP के मेंबर्स होते हैं उनको दोषी बना दिया जाता है। और इसके अगेंस्ट में गुरमीत कौर, जो कि श्रीराम कॉलेज की थी, वो ABBP के खिलाफ एक पोस्ट बनाती है और शेयर करती है, जिसके बाद कि उसे कुछ लोग बलात्कार और मारने की धमकियां देते हैं। आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा कि गुरमीत कौर के साथ गलत हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ ABBP के अगेंस्ट पोस्ट डाला, तो उसके साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बट रुकिए, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। अब ध्रुव गुरमेहर कौर को डिफेंड करता है और उसके साथ साथ उमर खालिद को भी डिफेंड करता है। उमर खालिद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाता है और कहता है कि ये जो पूरा मामला था ना, ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया गया था और इसका जो पूरा दोष है वो BJP और RSS के ऊपर मर देता है। हाल ही में एक रामजस कॉलेज में इंसिडेंट हुआ जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स को मारा पीटा गया। इस इंसिडेंट में ABBP जो कि BJP का स्टूडेंट यूनियन है और SFI जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का स्टूडेंट यूनियन है, ये दोनों इन्वॉल्व थे। हुआ क्या कि एक ओमर खालिद नाम के स्टूडेंट जो JNU के हैं, PhD कर रहे हैं, ये एक स्पीच देने आने वाले थे रामजस कॉलेज में। ABBP वाले ये नहीं चाहते थे कि ये स्पीच दें, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बात प्रोटेस्ट से ऊपर जाके दंगे पे चली गई। अब ओमर खालिद को ये लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनके कश्मीर पे कंट्रोवर्शियल व्यूज है और वो एक कम्युनिस्ट है। इन लोगों में से एक 20 साल की स्टूडेंट भी थी जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया #StudentsAgainstABBP। इससे ABBP वाले और BJP सपोर्टर्स बहुत भड़क उठे और उन्होंने इसको भर भर के गालियां दी ट्विटर पे। खाली गालियां ही नहीं, इसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया और रेप करने की धमकियां दी गई इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने ABBP के खिलाफ बोला। अभी तक तो ये बहुत आसानी से लोगों को एंटी नेशनल का टैग देते आए थे, लेकिन रामजस इंसिडेंट के बाद से इनकी गाड़ी अटक गई है, क्योंकि ये जो लड़की इनके खिलाफ खड़ी हुई है, तो इस लड़की को डिफेम करने के लिए इन फर्जी नेशनलिस्ट लोगों ने इसके एक पुराने वीडियो से एक क्लिप उठाई और उसके सामने झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान सिंपथाइजर है, ये वाला प्ले कार्ड दिखाकर। जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस पूरे धमकी देने वाले मामले के पीछे आम आदमी पार्टी और आयशा के लोग थे, और आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए करवा रही थी। अब ये जो गुरमेहर कौर है, इसके आम आदमी पार्टी के साथ डीप कनेक्शंस बाहर है। जो आम आदमी पार्टी का मीडिया मैनेजर था, वही गुरमेहर कौर का मीडिया मैनेजर भी था, और इसलिए ध्रुव गुरमेहर कौर को डिफेंड करके पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो BJP और RSS पे मढ़ रहा था। ध्रुव यहाँ पे क्लियरली उमर खालिद जैसे एंटी नेशनल को सपोर्ट कर रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था वो आगे आप समझ जाओगे। और ध्रुव इसी वीडियो में एक और बात करता है, जो कि होता है 14,000 जो NGO जिनके की फॉरेन फंडिंग को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, इसके बारे में उनको वो डिफेंड करता है। कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 14,000 जो NGOs है जिनके की फॉरेन फंडिंग को बंद किया गया है, वो एक बहुत गलत काम किया गया है। ये जो NGOs है वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और जो करंट गवर्नमेंट है वो उनसे डर गई है, इसलिए ऐसा कर रही है। ध्रुव सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्टेप से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। इतनी बेशरम है सरकार, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने पिछले साल अप्रैल के महीने में कुछ 14,000 NGOs की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक कर दी। ध्रुव राठी के चिढ़ने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि ये जो 14,000 NGOs जिनके की फॉरेन फंडिंग को बैन किया गया था, इस पूरे लिस्ट में एक ऐसा भी NGO था जो कि जॉर्ज सोरस का था, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको मैं आगे आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। पहले ये जो ध्रुव राठी का पूरा टाइमलाइन है इसको समझ लेते हैं। मई 2018 में ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के कर्नाटका के मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है और उनकी तारीफ भी करता है। फिर मई में भी ध्रुव राठी ये ट्वीट भी करता है कि नेशनलिज्म एक बीमारी है और जो लोग अपने स्टेटस में नेशनलिस्ट लिखते हैं ये उनके लिए है। और यही बात ध्रुव राठी अपने वीडियो में कई बार कह चुका है। पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंडल। जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंडल। हो सकता है
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ध्रुव एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करता है, क्यों ध्रुव देशभक्ति के खिलाफ होता है, क्यों ध्रुव का कनेक्शन बार बार ऐसे लोगों के साथ निकलता है जो कि हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन अभी और भी लोग हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके कनेक्शंस ध्रुव राठी से निकल के आएंगे। थोड़ा सा सबर कीजिए, अरविंद केजरीवाल ध्रुव राठी को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो भी करते हैं। पार्टी का जो सवाल है, जब ध्रुव के 3 लाख सब्सक्राइबर थे तब ध्रुव ने अपने चैनल के जरिए द वायर और न्यूज लॉन्ड्री को प्रमोट करना शुरू कर दिया था और अपने वीडियो में वो बार बार लोगों को द प्रिंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री जैसे पोर्टल्स को रेफर करने के लिए बोलता था। कहता था कि आप सिर्फ इन्हीं पोर्टल्स का विश्वास करो, इनको ही पढ़ो, इनके अलावा बाकी के जो भी न्यूज है जैसे कि जी न्यूज वगैरह वो सब फेक है, वो सब गोदी मीडिया है, वो झूठे खबरें फैलाते हैं। जो इनके झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को पकड़ती हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज, लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, वायर डॉट इन, एसएम बुक्सलेयर, बूम लाइफ, सिर्फ कुछ गिने चुने ऑनलाइन पोर्टल्स ही बचे हैं जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर डॉट इन। जैसे जैसे ये मेन स्ट्रीम मीडिया और बिकाऊ होता जा रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन उतने ही न्यूट्रल चैनल्स और आए जा रहे हैं, जैसे न्यूज लॉन्ड्री या द वायर डॉट इन। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्रुव राठी द प्रिंट पे खुद एक राइटर है और इसीलिए वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ द प्रिंट, द वायर, द न्यूज लॉन्ड्री जैसे पोर्टल्स को ही रेफर करने के लिए कहता है ताकि ये जो ब्रेन वॉश का गेम है ना इसको और स्मूथली किया जा सके। अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो पोर्टल्स जिनको कि ध्रुव राठी रेफर करता है इनके ऊपर मेरे वीडियो के रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं एक दो आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ध्रुव राठी को खुद भी ये नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा और इतने सारे लोग उसे सपोर्ट करेंगे। इनॉर्मस अमाउंट में उसे क्योंकि सपोर्ट मिल रहा था और उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे एक्सपोज ना कर दे, इसके जो काली करतूते हैं इसको सामने ना ले आए। तो जनता के सामने न्यूट्रल बने रहने के लिए ये जरूरी था कि ध्रुव के जो पुराने पोस्ट हैं, वीडियोज हैं, इन सब को वो इंटरनेट के ऊपर से हटा दे। और ध्रुव ने वही किया। जितने भी पोस्ट थे जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, जितने भी वीडियोस थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, उन सबको ध्रुव राठी ने रिमूव कर दिया। यहाँ तक कि जिस आईडी से ध्रुव आम आदमी पार्टी के ग्रुप में पोस्ट किया करता था उस आईडी को भी उसने डिसेबल कर दिया था और नया आईडी बनाया था जो कि फिलहाल अभी एक्टिव है। जितने भी पोस्ट और वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं वो देखने के बाद ध्रुव के पैर से भी जमीन खिसकने वाली है। ध्रुव राठी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस को प्राइवेट कर दिया तो एक्सेस नहीं हो सकता उसे? भाई ये इंटरनेट है और इंटरनेट का किंग वो होता है जिसको ये पता होता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। तुम चाहे अपने फुटप्रिंट्स कितने भी मिटा लो, कितने भी छिपा लो, लेकिन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आने वाले से नहीं छिप सकते, कहाँ कहाँ बचोगे। अच्छा, इसके बाद भी जो वीडियोस और पोस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन सब को भी ध्रुव राठी ने रिमूव किया हुआ। अब कुछ ऐसे भी क्रिएटर्स थे इंटरनेट के ऊपर जो कि ध्रुव राठी के चेहरे को पहचान चुके थे, तो भले ही ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट और वीडियोस रिमूव कर दिए थे लेकिन फिर भी वो अलग अलग माध्यम से उसको एक्सपोज कर रहे थे। अब क्योंकि ये जरूरी था कि ब्रेन वॉश करने के लिए ध्रुव राठी न्यूट्रल दिखे, तो ध्रुव राठी ने एक ग्रुप बनाया, ध्रुव राठी स्क्वाड, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप था फेसबुक के ऊपर। और जितने भी एंटी ध्रुव वीडियोस थे जिन्होंने भी ध्रुव राठी को एक्सपोज किए थे, ध्रुव राठी उन वीडियोस और उन पोस्ट के लिंक को अपने ध्रुव राठी स्क्वाड में डालता था और वहां से उनको रिपोर्ट करके रिमूव करवाता था। इस ग्रुप में टास्क असाइन किए जाते थे कि कौन से वीडियोस को कैसे रिपोर्ट करना है और ये ध्रुव राठी स्क्वाड सिर्फ यूट्यूब वीडियोस तक ही सीमित नहीं थे, इसकी निगरानी में कोरा के आंसर्स भी थे। ध्रुव राठी स्क्वाड में जो एडमिन्स की संख्या थी उसको बढ़ाई गई ताकि ये जो रिपोर्टिंग का काम है वो और तेजी से हो सके। जो वीडियोस रिपोर्ट के साथ डिलीट हो गई वो तो डिलीट हो गए, लेकिन जो वीडियोस रिपोर्ट्स के साथ डिलीट नहीं होती थी उनको धमकियां भी मिलती थी ईमेल्स के जरिए। इसके साथ साथ ध्रुव राठी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था, व्हाट्सएप गोल्ड मेंबरशिप, और ये जो व्हाट्सएप गोल्ड मेंबरशिप का ग्रुप था ये उन्हीं लोगों को एक्सेस था जो कि ध्रुव राठी के अर्ली पेट्रॉन मेंबर्स थे। और इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ध्रुव राठी के सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें होती थी, कौन सा इलेक्शन कैंपेन में क्या करना है, आने वाले इलेक्शन के जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे, तो इन सब चीजों को उसमें डिस्कस किया जाता था। देखो ध्रुव, मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि सुधर जाओ, लोगों से माफी मांग लो कि तुमने लोगों को मैनिपुलेट किया है हाफ इंफॉर्मेशन हाफ फैक्ट दिखा के। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे जो काली करतूते हैं, काली कारनामे हैं, उनको जनता के सामने लाओ। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, इसलिए थोड़ा सा झलक जनता के सामने लाना और जरूरी है। साल बीता और 2019 आ गया। 2019 के अंत तक एंटी सीए प्रोटेस्ट शुरू हो गया और एज एक्सपेक्टेड ध्रुव राठी इसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा था। जो भी एंटी सीए के सपोर्ट में थे, जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा था। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, प्रोटेस्ट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हमें गवर्नमेंट की किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो हम उसे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो हो रहा था और इस प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी जिनको सपोर्ट कर रहा था, जो मोटिव था वो क्या था वो जान लीजिए। सबसे पहला,
एंटी सीएए प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। दूसरा, इस प्रोटेस्ट को जॉर्ज सोरस फंड कर रहा था। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट यही सच्चाई है कि जॉर्ज सोरस इसमें फंड कर रहा था इनडायरेक्टली तरीके से। हालांकि फंड्स और भी जगह से आ रहे थे, लेकिन जॉर्ज सोरस भी इसमें इन्वॉल्व था। अब यहां से जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो 14,000 एनजीओस के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो सब अब यहाँ पे आके लिंक होने वाला है, क्योंकि जॉर्ज सोरस किसी भी कीमत पे करंट सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराना चाहता है, और इसलिए उसने भेजा हर्ष मंदर को और सलील शेट्टी को। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है और द वायर का राइटर भी है। और ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था, ये उन 14,000 एनजीओस के लिस्ट में था जिसके कि फॉरेन फंड को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था, और इसी कारण से जो ध्रुव था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इस एनजीओ के फॉरेन फंडिंग बंद होने से ध्रुव राठी के जो एंटी नेशनल फ्रेंड्स थे उनके फंड्स जो बंद होने वाले थे। तो ध्रुव राठी सिर्फ आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, इसके जो तार है ना वो बहुत दूर तक जाते हैं। इस एंटी सीएए में जो रायट हुआ था उसमें ताहिर हुसैन का भी नाम आया था। ताहिर हुसैन का नाम आया था इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एक ऑफिसर को मारने, और इस मामले में ताहिर हुसैन फिलहाल अभी जेल में है। और आपको तो ये पता ही होगा कि ताहिर हुसैन जो है वो आम आदमी पार्टी से कैसे एसोसिएटेड है। जब छानबीन हुई तो पता चला कि ताहिर हुसैन को संदिग्ध तरीकों से पैसे मिले थे, जिसका इस्तेमाल उसने दिल्ली दंगों में किया था। अभी जो हर्ष मंदे और सलील शेट्टी है, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में आए हुए थे और वहाँ पे बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे थे। हर्ष मंदर के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था कि उसने हेट स्पीच डिलीवर किया था एंटी सीए प्रोटेस्ट में, और कोर्ट ने उनसे आंसर भी मांगा था। ये जो सलील शेट्टी है वो जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है, और जो हर्ष मंदर है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर है। इसके साथ साथ हर्ष मंदर जस्टिस फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड का भी मेंबर है। अब ये जो जस्टिस फाउंडेशन है ना वो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए वो भी जानिए। जस्टिस फाउंडेशन भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए बनाया गया था। ये फ्री कश्मीर नैरेटिव को सपोर्ट करता है और ये बातें करता है कि कैसे कैसे कश्मीर को इंडिया से अलग किया जा सकता है। और इसका जो फाउंडर है ना वो है डॉक्टर अय्यूब ठाकुर, जो कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का एक मेंबर है। तो अब हो सकता है कि आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि ध्रुव राठी द वायर द प्रिंट द न्यूज लॉन्ड्री को क्यों सपोर्ट करता है, क्यों उन्हीं न्यूज सोर्सेज को आपको रिलेवर बताता है और बाकी के जो भी न्यूज पोर्टल्स है जैसे कि जियो न्यूज या आज तक वगैरह उनको रेफर करने के लिए नहीं बोलता है, बोलता है कि वो फेक न्यूज फैलाते हैं। क्यों ध्रुव राठी एंटी नेशनल जैसे कि उमर खालिद और हर्ष मंदर को सपोर्ट करता है, क्यों ध्रुव राठी अपने वीडियोस और पोस्ट के जरिए एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स को बढ़ावा देता है, क्यों ध्रुव राठी हमारे भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है, कहता है कि हमारे श्री राम जो है वो तो भगवान ही नहीं है, उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था, लेकिन वहीं पे जो बाकी रिलीजन्स हैं उनको सच मानता है। ध्रुव शुरुआत से ही ब्रेन वॉश करने में माहिर है, तभी ये हर टॉपिक में अपना ज्ञान देता है और लोग भरोसा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ काम करने के साथ साथ इसके एंटी नेशनल्स के साथ भी गहरे रिश्ते हैं, और ये तो इसने खुद कई बार बोला है कि जो नेशनलिज्म है वो एक बीमारी है। तो इस रिसर्च को जिसमें कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसको आगे बढ़ाइए और जो लोग ब्रेन वॉश हुए हैं उनकी आंखें खोलिए। और अगर मेरे जैसा एक छोटा सा यूट्यूबर इतना रिसर्च कर सकता है, इतने डेटा दिखा सकता है, इतने कनेक्शंस निकाल सकता है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट तो क्या नहीं कर सकती है। आई होप कि ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचे और उनको भी पता चले कि आखिर जर्मनी में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का एक यूट्यूबर अमित शाह को मर्डरर बोलता है, योगी आदित्यनाथ को रेपिस्ट बोलता है, और कैसे उनके तार एंटी नेशनल से जुड़े हुए हैं। बाकी आप सभी लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।